तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक प्रश्न लिख रखा है। आपको पहले से हिंट दे देता हूं कि इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको बोडामास के नियमों को थोड़ा सा जान लेना है, क्योंकि जब तक आप बोडामास के नियम को नहीं जानेंगे तो इस गणित को आप नहीं बना पाएंगे। और सिंपल सा प्रश्न है, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। एक बार घटाओ की संक्रिया है और एक बार भाग की संक्रिया है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, हल करना है। आपके सुविधा के लिए मैंने यहां पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन में चार लिख रखा है, दूसरा ऑप्शन में मैंने 554 लिखा है, 554 लिखा है, सी में मैंने केवल 5 लिखा है और डी में मैंने एक और ऑप्शन लिख रखा है, इनमें से कोई नहीं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक और प्रश्न बता देता हूं ताकि इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में आपको सुविधा हो। निश्चित रूप से चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, चार है ना, 5 5 4 5, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको अब मैं डिलीट कर देता हूं। अब हम एक प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार का। मान लिया जाए हमें यहां पर कोई एक प्रश्न दिया गया है, 81 -9 / 9, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, जब भी हमें कोई इस प्रकार के प्रश्न मिले और इसमें आप बोडामास का नियम का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोडामास का नियम का प्रयोग आप जब करेंगे तो इस प्रकार आपको लिख लेना होता है, ये देखिए, और इसके सीक्वेंस के आधार पर इधर से चलना होता है ना। पहले ब्रेकेट है तो ब्रेकेट को हल करना है, ठीक है। उसके बाद ऑफ मतलब का को हल करना होता है, मतलब गुना, लेकिन आपको डायरेक्ट हल करना ही होता है। डी मतलब आप सभी जानते हैं कि डिवाइड मतलब भाग की संक्रिया को हल करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़ और घटाव की संक्रिया को हल करते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए हमारे प्रश्न के आधार पर किसको हल करना है। तो इस गणित में देखिए केवल घटाव की संक्रिया और भाग की संक्रिया है ना। और घटाव और भाग की संक्रिया हो तो आप देख सकते हैं ये घटाव की संक्रिया है और ये गुणा की संक्रिया है और ये भाग की संक्रिया है, अर्थात भाग की संक्रिया पहले हल होगा। इस गणित की बात कर रहे हैं तो इसको हम अगर भाग की संक्रिया को पहले हल करेंगे तो यहां पर तो 81 - ये भाग हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, हमारा उत्तर आएगा 80। अब कई लोग इसी ट्रिक का अगर पालन करके इस गणित को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो गड़बड़ी कहां पे होगा हम आपको पूरा बताने वाले हैं। हमारे चैनल में भले छोटे छोटे प्रश्नों को बताया जाता है लेकिन ना बहुत बेसिक तरीके से बताया जाता है और जहां पे लोग गलती ना करें उन चीजों को बताया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके आल को भी टच कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें जो ब्रैकेट के जो नियम है उनको भी जान लेना होता है। अब देखिए अगर किसी ने इस प्रश्न को इस प्रकार बना दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने इसको केवल इस प्रकार बना दिया होगा तो वो क्या करेगा, घटाव और भाग की संक्रिया में इसको हल कर दिया तो यहां पर 555 दिख रहा है, इसको हम भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 555 में उसने 1 को माइनस कर दिया होगा तो 554 ये आंसर ला दिया गया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि जब आप प्रश्न बनाते हैं ना तो ये प्रश्न जो लिखा है उसको ध्यान से देखना है। अब आप देख सकते हैं इसी प्रश्न में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो प्रश्न है इसके ऊपर में यहां पर एक लाइन खींचा हुआ है, तो भाई इस लाइन का कुछ तो मतलब होगा। तो इस लाइन का मतलब क्या है तो हम देखते हैं, हम जब ब्रैकेट यहां पर जो हमने बोडामास नियम लिख रखा था, है ना, बोडामास लिख रखा था, तो इसमें भाई ये जो ब्रैकेट है ना वो कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, तो आपने निश्चित रूप से एक कोष्टक सुना होगा, बड़ा कोष्टक है ना, फिर मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये आपने बहुत सारे कोष्टक के बारे में सुन रखा है। लेकिन इसके अलावा एक और कोष्टक होता है जिसको हम बोलते हैं, मान लिया यहां पर कोई संख्या है 5 + 2, ठीक है, और यहां पर भाग की संक्रिया है 3, ऐसा कुछ भी लिखा है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए भाग की संक्रिया 7 कर देते हैं सर, ऐसा कुछ भी दिया है, लेकिन इसमें यहां पर ऐसा लाइन खींचा है, तो याद रखिएगा ये जो कोष्टक कहलाता है ना वो बार कोष्टक कहलाता है, मतलब ये बार कोष्टक है। और याद रखिए इन कोष्टकों से पहले इन बार कोष्टक को हल करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये लाइन जहां पे जिन संक्रियाओं में ये लाइन खींचा होगा, ठीक है, जिन संख्याओं मतलब 5 + 2 के बीच ये खींचा हुआ है, मतलब ये कोष्टक है और ये कोष्टक को आपको पहले हल करना है, करना ही करना है, जहां पे बार लग गया, बार कोष्टक लग गया, उसको पहले हल करना ही करना है, ठीक है। मान ले जाए इसको हम बार कोष्टक हल करते तो 5 और 2 7 को पहले हम जोड़ते, ना कि हम 2 को पहले 7 से भाग देते,
पांच और दो को जोड़े उसके बाद हम भाग सात करेंगे, उसके बाद हमारा उत्तर आएगा। तो भाई इस प्रश्न को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा, ये जो बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक के अलावा भी एक और कोष्टक है जिसको हम बार कोष्टक बोलते हैं। और अगर बार कोष्टक आया है, और ये तो पता है कि कोष्टकों को पहले हल करना चाहिए, गणित में अगर कोष्टक दिया है तो उस कोष्टक को पहले हल करना चाहिए बोर्डमास नियम के तहत। अब हमारे गणित में कोष्टक दिख नहीं रहा था, लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि कोष्टक है, बार कोष्टक है, तो उसने इस प्रश्न को बहुत सरल तरीके से बनाया होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न देने वाला हूं बार कोष्टक वाला, उसको हल करके जरूर देखिएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, ये तो 555 है माइनस 111 है, इसमें बार लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है यदि इसको हम हल करेंगे तो यहां पर हमारा उत्तर आ जाएगा 444। इसको पहले हल करना है क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, 555 में 111 को माइनस करो 444 आएगा, उसके बाद आपको भाग देना है 111 से। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, 444 को भाग देना है 11 से, कितने बार में कटेगा, चार बार में कटेगा। और ये ऑप्शन हमने लिख रखा था, है ना, ऑप्शन नंबर जिसमें भी रहा होगा, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, तो ये चार जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो अभी तक कई लोगों को लग रहा था कि ऊपर में इनमें से कोई नहीं, या फिर 554 जिसको लग रहा था, क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में बोडामास का नियम जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगा। अब बोडामास के जो सवाल होते हैं ना, है ना, या बार कोष्टक के जो सवाल होते हैं ना, वो कई प्रकार से आप पूछ सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितने प्रकार से पूछ सकते हैं। मान लिया जाए यहां पर 300 है, ठीक है, यहां पर भागित दे दिया है, यहां पर ऐसा दे दिया है, ठीक है, यहां पर मान लिया जाए 5 दे दिया है, और यहां पर मान लिया जाए यहां पर क्या दे दिया है, चलो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देते हैं 3, और यहां पर प्लस 2, ठीक है, और यहां पर हम बार लगा देते हैं, देखिए, और ये देखिए, फिर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि यहां पर हमको ये लगता है ना कि 5 और 3, पहले तो कोष्टक दिख रहा है तो कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हल करेंगे, और उसके बाद 5 × 3 लिखा है तो हमको लगता है कि बोडामास का नियम लगाएंगे तो 5 × 3 हो जाएगा, तो 5 × 3 को पहले हल करेंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोष्टक के नियम को समझ गए होंगे तो इस कोष्टक के अंदर भी कोई और कोष्टक छुपा हुआ है, और उस कोष्टक को आपको पहले हल करना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग यहां पर कोष्टक जो होते हैं ना, बहुत सारे कोष्टक होते हैं, ठीक है, यहां पर हम कोष्टक को बदल देते हैं सर, तो जो भी कोष्टक होता है उसको ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद ही हल करना है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।